पालक पनीर तो हम अक्सर ही बनाते रहते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि कुछ अलग तरह से पालक की सब्ज़ी बनाई जाए जो सबको बहुत पसंद आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लहसुनी पालक की रेसिपी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम आधा किलो पालक लेंगे। पालक को अच्छे से साफ़ करके पानी से अच्छे से इसको धो लें। धोकर हम मोटे वाले डंठल निकाल देंगे, बस इतने ही हमें डंठल रखने हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी जैसे ही गर्म होने लग जाए इसमें हम पालक डाल देंगे, और पालक को हमें थोड़ी देर तक बॉयल करना है। अच्छे से पानी में डिप कर देंगे, और अब हम पालक को 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉयल करेंगे, या जब तक ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए और सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, 1 चम्मच, जिससे इसका हरा रंग बना रहे। तो बस हम पालक को थोड़ी देर तक ही बॉयल करेंगे। 3-4 मिनट के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि इसके पत्ते सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और फटाफट हम इनको निकाल लेंगे। तो इनको हम फटाफट पानी में से निकाल कर ठंडे पानी में डिप करके रख देंगे। तो एक बर्तन में मैंने ऑलरेडी ठंडा पानी डाल के रखा हुआ था, तो इसमें हम ये पालक को डाल देंगे। तो आप रूम टेम्परेचर का पानी या थोड़ा बर्फ़ डाल के पानी रख सकते हैं। और इसमें डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए रखेंगे, और उसके बाद हम इसको पानी में से निकाल लेंगे। पालक को हम पानी में से निकाल के ब्लेंडिंग जार में डालेंगे, और इसको हम थोड़ा मोटा पीसेंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पालक को अलग कर दें और बारीक काट लें, बाकी की पालक को पीस लें, या फिर पूरी पालक को ब्लेंडिंग जार में डाल के हम थोड़ा मोटा पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा मोटा पीसा है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटकने लग जाएगा तो 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे, फिर इसमें हम एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुनी पालक बना रहे हैं तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। अगर आप तीखा खाते हैं तब आप हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। पालक का हरा रंग बना रहे इसीलिए हम इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तब आप हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल दें। और अब हम बस 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे कि मसाले भी अच्छे से भून जाएं। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम बेसन डाल देंगे, जिससे सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत गाढ़ा आएगा। आप चाहें तो बेसन की जगह आटा भी डाल सकते हैं। बस हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्याज का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे। टमाटर डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको हम मिलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी टमाटर को जल्दी पका सकते हैं। तो बस हम थोड़ी देर तक इसको और पकाएंगे, और अब आप ये देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने पालक का पेस्ट बना के रखा हुआ था इसमें डाल देंगे। डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाते हुए अब हम इसको बस 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। पालक को हमने ऑलरेडी बॉयल करा हुआ है, तो अब हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको थोड़ी देर तक और पका लेंगे। और उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच दही डाल देंगे। दही डाल के हम मिला लेंगे अच्छे से,
और मिलाने के बाद बस हम इसको एक दो मिनट के लिए और पकाएंगे। और अगर आपको बहुत थिक नहीं चाहिए तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और बस हम इसको एक दो मिनट के लिए और पका लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि एकदम थिक है और इसका हरा रंग बिल्कुल कायम है। और अब हम इसमें लहसुन का तड़का डालेंगे। तड़का पैन में हम एक टेबलस्पून देसी घी गरम करेंगे। देसी घी जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। और जीरा जब चटकने लग जाएगा तब हम इसमें दो चम्मच लहसुन डाल देंगे। और लहसुन को थोड़ा मोटा ही काटें, बारीक नहीं काटें। तो दो चम्मच भर के हम इसमें लहसुन डाल देंगे और लहसुन को हम थोड़ा ब्राउन होने तक यानी क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। और जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे, इसमें हम एक दो लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे। और ध्यान रखें कि लाल मिर्च को बाद में डालें, पहले नहीं डालें। इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, ये जलनी नहीं चाहिए। और अब हम इस तड़के को पालक में डाल देंगे। देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी या पराठे किसी के साथ भी आप ये सब्ज़ी खा सकते हैं। बनाना जितना आसान है और टेस्टी भी उतनी ही लगती है। तो आप ये लहसुनी पालक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी।